बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5000 जो वन लाइनर फैक्ट हम हमारी श्रृंखला में लाए हैं उसके अंतर्गत हम आपको आज हमारा ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम आपको 100 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स दैट वन ये आप देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव जो है ये वीडियो आप देख पा रहे हैं विनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 417 वा क्वेश्चन है ये। पहले वीडियो यदि हमने आपने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज आप जाके और नीचे देखें। 417वा क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये 77वा स्थान रहा। 418वां क्वेश्चन है, जलवायु आपातकाल घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये आयरलैंड था दोस्तों, जलवायु आपातकाल जिसने घोषित किया था पहली बार। किस देश में एकमात्र सफेद जिराफ को जीपीएस डिवाइस लगाया गया है? तो जिराफ जो पाए जाते हैं आपने देखा होगा वो अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं, बहुत अफ्रीका ही का ये देश है केन्या। केन्या जो है दोस्तों, केन्या की राजधानी नैरोबी, नैरोबी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, वह कई बार आ चुका है। केन्या की राजधानी क्या है? और जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मुख्यालय नैरोबी है, ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएनओ का पार्ट है उसका जो वो है हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में ही है। 420वां क्वेश्चन, लीलावती अवार्ड 2020 की थीम क्या थी? तो ये थी महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 नवंबर को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ये किया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व में स्थित है। यहाँ बहती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जिसे यहाँ बोला जाता है दिहांग, और असम में जाने के बाद इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। अगला देखते हैं 423वां, किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये दोस्तों तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य जो है इसकी राजधानी हैदराबाद है, उसने नल कनेक्शन देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट में चुना गया है? तो लोनार झील आपको पता होगा एक उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई एकमात्र झील है इंडिया की और अपने आप में यूनिक है, और इसको रामसर साइट में जो चुना गया है ये है दोस्तों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है। 425, किस राज्य ने देश में एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? एमएसएमई छोटे उद्योग होते हैं जो दोस्तों इनको सबसे ज्यादा चलाते हैं लोग महाराष्ट्र में। 426वां क्वेश्चन, देश ने विश्व का पहला 4G सैटेलाइट लॉन्च किया किस देश ने? तो ये दोस्तों चाइना, चाइना ऐसा देश है जिसने 6G यानी सिक्स जनरेशन जिसे हम बोलते हैं वो सैटेलाइट लॉन्च किया है। 427वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं को पंचायतों में कितना आरक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों 3/1, ठीक है 3/1 यानी 33%। अगला है दोस्तों, पंचायती राज का सुझाव किस पंचवर्षीय योजना से लिया गया था? तो ये है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 428वां क्वेश्चन, नेक्स्ट 429वां क्वेश्चन, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ये सदस्यों द्वारा किया जाता है अध्यक्षों का चुनाव, ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होता जिला पंचायत सदस्य का या जो अध्यक्ष होता है उसका, सदस्यों का डायरेक्ट चुनते हैं लोग और जो अध्यक्ष होता है उसको जो चुने हुए सदस्य रहते हैं वो चुनते हैं, तो ये बहुत क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत इनको कहा जाता है तहसील स्तर पर। अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष से इस पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रारंभ किया? तो ये 2007 से इन्होंने किया है। किस जिले में बिटिया उत्सव 2020 का आयोजन किया गया? तो ये ग्वालियर में किया गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये मैसूर में है। 434वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 नवंबर को मनाया गया है। आसियान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1967 में की गई थी। 436वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? तो ये बहरीन के थे दोस्तों। नेक्स्ट है, चलवाणी पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? तो ये भील जो जनजाति है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, भगोरिया जिनका प्रमुख उत्सव है, 7 दिन तक चलता है। आपने होली के समय अभी निकला है, होली के समय ये 7 दिवस का एक त्यौहार होता है पश्चिमी मध्य प्रदेश का, वो भगोरिया बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक त्यौहार है। 438वां क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह राजीव कुमार। नेक्स्ट, जो बाइडेन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो यह 46वें, 46th यानी 46 जो राष्ट्रपति 45 से पहले राष्ट्रपति हो चुके हैं।
ट्रंप 45वें थे, इससे पहले जो बराक ओबामा थे वो 44वें थे। 440वां क्वेश्चन है, बंजर नदी का संबंध किस नेशनल पार्क से है? तो ये बंजर नदी बहती है किस नेशनल पार्क में? कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क में। हालो, बंजर घाटी आपने सुना होगा, और बारहसिंगा यहीं पे पाया जाता है। और दोस्तों आसियान संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों जकार्ता, इंडोनेशिया। मोहनपुरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नेवज नदी पर बना हुआ है, मोहनपुरा बांध। 443वां क्वेश्चन है, अमेरिका के नवीन राष्ट्रपति बनने वाले बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, दो पार्टियां होती हैं दोस्तों अमेरिका में, और इन्हीं के बीच जो है चुनाव होते हैं। जबकि हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ बहुत सारे दल होते हैं, जब जो अमेरिका है उसमें दो दल प्रणाली है, केवल दो दल होते हैं। 444 से दोस्तों मोहनपुरा बांध किस जिले में निर्मित है? तो ये राजगढ़ है, और इसकी नदी आपने अभी देखी नेवज। नेवज ये इसकी नदी पर मोहनपुरा बांध बनाया हुआ है। 445वां क्वेश्चन है, मलखम्ब अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये मलखम्ब अकेडमी 2013 में स्थापित हुई। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये उज्जैन में स्थापित हुई दोस्तों, मलखम्ब अकेडमी। अगला दोस्तों, प्रदेश में मोहल्ला क्लास की शुरुआत किस जिले से हुई? तो मोहल्ला क्लिनिक आपने सुना होगा अभी तक, मोहल्ला क्लिनिक जो है दिल्ली सरकार ने जो इंट्रोड्यूस किया था ये वर्ल्ड मोहल्ला क्लिनिक, और ये बहुत फेमस हुआ, बहुत सफल योजना थी जो दिल्ली सरकार थी उसकी, केजरीवाल सरकार की। अब यहाँ मोहल्ला क्लास की शुरुआत हुई है, वो तो हुई है दोस्तों नीमच से, मध्य प्रदेश के नीमच से। पन्ना नेशनल पार्क में कौन सा जलप्रपात है? तो पन्ना नेशनल पार्क में दोस्तों पांडव जलप्रपात है, पांडव जलप्रपात। अगला दोस्तों, पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है? तो ये है दोस्तों इंदौर की चंबल नदी पर पाताल पानी जलप्रपात बनाया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस शहर में लगाने की योजना है? तो ये मुरैना में लगाने की योजना है। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो यह दोस्तों सुरक्षा परिषद की इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से है। झाड़ीदाह जलप्रपात किस नदी पर? दोस्तों ये चंबल नदी पर है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो ये संसद द्वारा होती है। 453वां है, मांडू के द्रोह का निर्माण 16वीं सदी में किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था मांडू के किले का निर्माण। इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क का अन्य नाम है? तो ये पेंच का अन्य नाम है, मोगली लैंड के नाम से आप जानते होंगे, और ये महाराष्ट्र में भी इसका कुछ भाग आता है, सिवनी में आता है, छिंदवाड़ा में आता है, और महाराष्ट्र के नागपुर जिले में इसका कुछ भाग आता है। किस राज्य में मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया गया है? तो केरल के जो मछुआरे हैं इनके जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया गया है। अब केरल में वेम्बनाड झील पाई जाती है, और भी अष्टामुद्री झील पाई जाती है, ऐसी झीलें हैं, और कायल यहाँ पे पाए जाते हैं। कायल जो कि जल राशि जो होती है वो समुद्र से अलग हो जाती है, और स्थल भाग में जल रुद्र हो जाता है, उसको कायल कहते हैं। फिर 456 है दोस्तों, शक्ति साधन पर्व श्रद्धा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो ये दोस्तों उज्जैन में किया जाता है। 457वां क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये दोस्तों खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, जो कि गांजे की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, खंडवा और खरवन, तो यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो ये दोस्तों नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं वर्तमान में। अगला है दोस्तों, जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑपरेशन पहुंच का संबंध किस नगरीय निकाय से है? तो 460वां क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों भोपाल नगर निगम से, भोपाल नगर निगम से। 461वां क्वेश्चन है, सोनागिरी का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये दतिया जिले में स्थित है, दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, गिरधारी लाल यादव को किस खेल के लिए विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया? तो ये सेलिंग के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रियांशु राजावत जिन्हें हाल ही में एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से इनका संबंध है। सेबी की स्थापना के मुख्य कारण क्या थे? सेबी की स्थापना जो हुई दोस्तों वो 1992 में फिरवानी कमेटी की सिफारिश के बाद इसको संवैधानिक मान्यता मिली। इसके पहले 1988 में ये बन चुका था, लेकिन 1992 में इसको एक संवैधानिक जो है इसको मान्यता मिली थी। तो भ्रष्टाचार मिटाना, धोखाधड़ी मिटाना, शेयर बाजारों को गति प्रदान करना, यही सब इसके जो है कारण थे इसके इसके लाने की। आपने इसी समय सुना होगा, इसी समय पे जो है 1992 स्कैम जो वेब सीरीज है और मूवी है बिग बुल, इसी समय ये सब हो रहा था।
तो इस समय जरूरत थी इस मार्केट को रेगुलेट करने की, और इसीलिए सेबी को भी इसी समय लाया गया था। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था? तो 44वें संशोधन के तहत 1978 में इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थी? तो VS रमा देवी थी। 467वां क्वेश्चन आप देख रहे होगे। नेक्स्ट दोस्तों, डीप माइंड क्या है? तो गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का नाम ही डीप माइंड है। 469 दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त तो वर्तमान में कौन है? तो ये BP सिंह है, जो कि पहले जो मुख्य आयुक्त जो है मुख्य जो है सचिव रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन के। अब इनको राज्य निर्वाचन आयुक्त भी की पदवी दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यह अरविंद कुमार शुक्ला, AK शुक्ला। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो यह है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन संविधान किस अनुच्छेद में है? तो यह 163, 163 यानी 163। कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है, तो ये नाम जाता है दोस्तों AI, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 474वां क्वेश्चन, तो राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 164 ख में वर्णित है। 475वां क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश में सबसे पहले जैविक खेती का आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये 2001 में प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में जैविक खेती के लिए आंदोलन चल चुका है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो शहरी शासन को दर्जा मिला था 74वें संविधान संशोधन के तहत, और 73वें संविधान संशोधन के तहत मिला था दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यानी पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जा। फिर दोस्तों, 477वां क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब हुई? तो ये मैंने जैसा आपको बताया 12 अप्रैल 1992 को इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसकी स्थापना 1988 में हो चुकी थी। तो इसमें यदि आता है आपके लिए ऑप्शन में 12 अप्रैल 1992, 88 नहीं आता है, तो 12 अप्रैल 1992 सही हो जाएगा। फिर दोस्तों, 478 है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया? तो यह है 243K में, 243K में इसका गठन बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की कौन सी धारा जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है? तो ये जो 1993 का एक्ट है, इसकी धारा 35 जो है, जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदस्य ला सकते हैं और उसको निष्कासित कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 480वां क्वेश्चन, यही मध्य प्रदेश पंचायती राज्य एवं स्वराज अधिनियम 1993 की कौन सी धारा के तहत ग्राम पंचायत का मुख्यालय बदला जा सकता है? तो ये धारा 125 है दोस्तों, जिसके तहत कि राज्य धारा ग्राम पंचायत का मुख्यालय जो है चयन किया सकता है। किस अनुच्छेद में पंचायतों में स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया है? तो ये 243D है, इस अनुच्छेद में पंचायतों में स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया है। दोस्तों, आज का ये हमारा शॉर्ट वीडियो था। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए, और 481 से आगे आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे सभी आंसर्स के लिए। बहरहाल, इसी तरह की वीडियो यदि आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो के लिए, और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।